रीवा में कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत रतहरा बाईपास में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से जा रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दुर्घटना का अंदाजा बाइक को देखकर ही लगाया जा सकता है। हादसे में बाइक सवार तीन लोगों की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंच गई और शवों को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भिजवाया है। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत रतहरा बाईपास की है। बाइक में सवार होकर तीन लोग नईगढ़ी थाना क्षेत्र से रीवा की ओर आ रहे थे। बाइक सवार तीनों लोग जैसे ही रतहरा बाईपास पहुंचे तो पीछे से आ रहे बेलगाम ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर लगने के बाद बाइक में सवार एक महिला उछलकर दूर जा गिरी, जबकि एक अन्य महिला और पुरुष ट्रक के पहियों के नीचे आ गए, जिन्हें ट्रक कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। हादसे में तीनों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो वही घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक पहले ट्रक सहित भागने का प्रयास किया, लेकिन कुछ दूरी जाने के बाद ही वो एक सकरी गली में फंस गया, जिसके बाद ट्रक को छोड़कर वो मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है और घटना की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि नईगढ़ी थाना क्षेत्र के निवासी पन्नालाल कौल अपनी भाभी मंती कौल और शांति कौल को लेकर बाइक से रीवा की ओर आ रहा था और तभी रतहरा बाईपास से पीछे आ रहे डंपर ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तीनों की ही मौके पर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भिजवा दिया है। ट्रक को जब्त कर थाने में खड़ा कराया गया है, तो वहीं आरोपी ट्रक ड्राइवर की भी तलाश की जा रही है। मामले में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि नईगढ़ी निवासी कोल समाज के तीन लोग बाइक में सवार होकर रीवा की ओर आ रहे थे। जैसे ही रीवा बाईपास पहुंचे तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और कुचलते हुए आगे बढ़ गया। पुलिस की टीम ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। ट्रक मालिक की पहचान हो चुकी है। पुलिस और प्रशासन के द्वारा मृतकों के परिवार को राहत राशि दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। एक परिवार में बैठे लोग जो कौल समाज के थे, मोटरसाइकिल में एक जिसमें एक पुरुष दो महिलाएं थी, वो रीवा की तरफ आ रही थी। पीछे से एक डंपर आया जिसमें मुरमिट्टी कुछ लोड थी, पीछे से उसने टक्कर मारी मोटरसाइकिल को और उसके ऊपर से मोटरसाइकिल के ऊपर से वो डंपर निकल गए, जिससे मौके पे एक दो लोगों की मौत हो गई। उसके बाद हॉस्पिटल ले जाते समय तीसरे व्यक्ति की भी मौत हो गई। इसमें एक व्यक्ति और दो महिलाओं की मौत हुई है और डंपर वहाँ से फिर कर करके भाग गया था, जिसको पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना के आधार पर पकड़ लिया है। डंपर के चालक मालिक का पता लग गया, पुलिस उनकी पकड़ धकड़ में लगी हुई है और जो शव थे उनको अस्पताल भेज दिया गया है। शव की पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है, परिजन उनके आ गए हैं। इसके साथ साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सभी उसमें उस परिजन को राहत राशि दिलाने के लिए जो जो संभव हो सकता है उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और दुखद घटना है निश्चित रूप से, और जिस तरह की वो बाइक से टक्कर हुई है वो बड़ा ही भयावह दृश्य था उस समय, जिस तरह से वो हुआ था। लेकिन उस समय लोग मौजूद लोगों ने और पुलिस को सूचना देके पुलिस के उन अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया। CSP साहब भी हमारे मौके पर तत्काल पहुँच गए थे, फिर उसके बाद थाना प्रभारी समान और वाली की टीम पहुँच गई थी। उन सभी ने मिलजुल के सभी शवों को वहाँ से मर्चरी पहुँचाया और जहाँ पर उनकी कार्रवाई की जा रही है। आगे भी ऐसा लोगों से अनुरोध है कि कभी इस तरह कोई घटना दुर्घटना होती है, तत्परता से घटना में घायल लोगों की मदद करने का प्रयास करें, पुलिस और IMS का मदद करने का प्रयास करें। धन्यवाद।